जब लोकसभा का चुनाव आएगा, सोचिए जहां राज्यों में गठबंधन नहीं बन रहा है, वहां ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास आज से नहीं, 2014 से चल रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि ऐसा कोई भी प्रयास आज तक सफल नहीं हुआ। मैं नहीं मानता कि ये गठबंधन चुनाव आते आते तक टिकेगा। भानुमति के कुनबे की तरह ये धराशायी चुनाव से पहले ही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को जिस तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास किया, अरे छोड़ो अखिलेश को, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये दर्शाता है कि वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है। हर घटक दल उस गठबंधन में एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर, और ये तो भी सिर्फ मात्र विधानसभा के चुनाव है भाई। ये एक ऐसा गठबंधन है जहाँ पर एक दर्जन से ज्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा घटक दल इस गठबंधन में आगे बढ़े। एक दूसरे की टांग खींचने के लिए आपस में ही घटक दल एक दूसरे से भिड़ेंगे। INDI गठबंधन में ठीक नहीं लग रहा। एक तरफ अखिलेश यादव नाराज चल रहे सीट से, कांग्रेस से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी की तारीफ बोलिए दिया सफाई देते हैं, कैसे देख रहे हैं भाई? ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ ये गठबंधन है, इसमें कोई भी एक दूसरे का भला नहीं सोचेगा। ये एक ऐसा गठबंधन है जहां पर एक दर्जन से ज्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा घटक दल इस गठबंधन में आगे बढ़े। एक दूसरे की टांग खींचने के लिए आपस में ही घटक दल एक दूसरे से भिड़ेंगे, जिसका ताज़ा उदाहरण हम लोगों ने मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा। मात्र एक दो सीट के पीछे जिस तरीके से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को जिस तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास किया, अरे छोड़ो अखिलेश को, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये दर्शाता है कि वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है। हर घटक दल उस गठबंधन में एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर, और ये तो भी सिर्फ मात्र विधानसभा के चुनाव है भाई। जब लोकसभा का चुनाव आएगा, सोचिए जहां राज्यों में गठबंधन नहीं बन रहा है, वहां ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास आज से नहीं, 2014 से चल रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि ऐसा कोई भी प्रयास आज तक सफल नहीं हुआ। और मैं पुनः दावे के साथ मैं कहता रहूं, मैं पुनः दोहराता हूं, मैं नहीं मानता कि ये गठबंधन चुनाव आते आते तक टिकेगा। भानुमति के कुनबे की तरह ये धराशायी चुनाव से पहले ही हो जाएगा। अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया गया है प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया जा रहा है, नाराज चल रहे हैं। तो भैया उत्तर प्रदेश में उनको प्रधानमंत्री दिखाया जाएगा, बंगाल में ममता बनर्जी जी को प्रधानमंत्री दिखाया जाएगा, महाराष्ट्र में दो तीन और पार्टियों के नेता हैं, उद्धव जी से लेकर शरद पवार जी तक सबको प्रधानमंत्री पद का दावेदार दिखाया जाएगा। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री वैसे ही एकदम व्याकुल हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, उनके पार्टी के नेता ये दम भरते नहीं थकते। तो ऐसे में यही हम बोल रहे हैं कि भैया ये एक ऐसा गठबंधन है जहाँ पे एक दर्जन से ज़्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई देंगे, ऐसे में इनका एक सामंजस्य बने ये संभव नहीं है।